203 किलोमीटर का सफ़र तय करना है गुड़गांव के लिए। मेरा बड़ा भाई सतीश नैन, भाई साहब की बदौलत से आज हमारे पास है ओला S1 Pro। बहुत बड़ा योगदान है भाई का। भाई रे लव यू से इतने। ये खड़ी है अपनी ओला S1 Pro, ये अपनी बाइक की गड्डी। दाब यू बटन मा, बटन दाब दे मायू, एक बारी दाब दे ना यू, कुकर दा बनायो, बस दब गए, एक बारी दाब दे, बस 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 काम ना होने कोई भी निकले। अच्छा ठीक है माँ। हाँ भाई ठीक है, बैठ ले, राम राम ता मैं लगाना लगे उठा ले सब कोट पैंट पहन लिया। अच्छा माँ नमस्ते। नमस्ते भाई, जय जय माँ, ठीक ठाक उससे ऐसा सिरे बाट देखा यू बाट देखा सिर परेशान का। ठीक है, दूसरा बैग मंगा लिया हमने। ये तो भी आना ले रहा, फिर ये तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी सतगुरु मालिक सच्चे बैठे रहेगा कुत्ता तो क्या। अरे दोस्तों, माँ का आशीर्वाद लेके मैं चल दिया हूँ अपनी मंजिल की ओर। आज बारिश का मौसम है, सुबह सुबह बारिश आई थी और पूरे दिन बारिश बता रखी है, देखते हैं आगे क्या रहता है। ठीक है, अब फिर जाऊँ भी, हाँ टिका टिका जाऊँगा। बापू जी भैंस छोड़ के आए हैं तालाब पे, मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आराम से जाइयो बेटा। मैंने बोल दिया हाँ आराम से जाऊँगा, टिका टिका जाऊँगा, मतलब आराम से जाऊँगा। ये अपने गांव का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर। एशिया नाची का डेरा, अपने खेत, सुना भी के क्या ना। मैं निकल चुका हूं अपने गांव से दोस्तों, देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुंचते हैं हम। सफर तो बहुत लंबा है, बीच में हमें रुकते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी स्कूटर को भी चार्ज कर लेंगे और हमें रेस्ट भी मिल जाएगा। अपने को जाना है टोटल 203 किलोमीटर दिखा रहा था, देखते हैं कैसे कैसे पहुंचा जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। बारिश आ रही थी तो मैं रेनकोट पहन के ही निकल लिया। अपन निकल चुके हैं अपने गांव से, दूसरे गांव में आ चुके हैं और ये है मेरे गांव से आगे वाला गांव। इस गांव का नाम है अमरगढ़। ये है इस गांव का गवर्नमेंट स्कूल। और ये आप यहां पर हरियाली देख सकते हो गाइस, ये है गेहूं के खेत और बरसीन है यहां पे हरा चारा भैंसों के लिए। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर। नरवाना है यहाँ से 10 किलोमीटर और जींद है 50। ट्रैवलिंग के साथ मुझे
लिखने का भी शौक़ है, तो आइए मैं आपके साथ अपने थॉट कुछ शेयर कर लेता हूँ। मैं तो एक राही हूँ, यूं ही चलता चला जाऊँगा, तुम मिलो तो सही इन राहों में, मैं तुमसे सब कुछ बयां करता चला जाऊँगा। कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये आ गया अपना हिसार चंडीगढ़ हाईवे, चलते हैं अब यहाँ से। आ गया है अपना फर्स्ट टोल नरवाना टोल प्लाजा में, आपका स्वागत है गाइस। अपनी लाइन टू व्हीलर की ये है, तो हम यहां से निकाल लेंगे। बारिश आई थी आज सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी सी, तो पूरा आज बता ही रखी है बारिश, देखते हैं। आई होप आगे ना आए, बारिश आएगी तो परेशानी हो जाएगी। से 38 नगर परिषद नरवाना आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ये मेरा हलका है यहाँ पे नरवाना। यहाँ से अभी अपने को लेना पड़ेगा आगे से यू टर्न जींद के लिए। ये आ गया अपना यू टर्न, यहाँ से यू टर्न लेंगे।
अब देने हैं अपने को जींद कणी के डिपर दे रहा, जींद कणी का डिपर दे दिया है दोस्तों मैंने। अब चलेगी अपनी रानी सीधा जींद की ओर, रवाना हो चुकी है। और ये आ गया जाना, जय श्री राम। साइड में सू देसी मेरी अपनी क्या बाइक तो कोई भी नहीं रुकता। यह है अपना जींद शहर और अब चलेंगे इको मोड में। ये आ गया रुपया चौक जींद शहर का। नंबर प्लेट भी लगवानी है अपने को, नंबर प्लेट कहाँ से लगवाएंगे? देख रहा हूँ कोई दुकान मिल जाए उसकी, आगे है स्पीडो रोड पे, वहाँ लगवाते हैं। ये है दोस्तों रानी तालाब, इधर रुक के दिखा दूंगा मैं आगे एक बार आप लोगों को, आगे रोक लेंगे एक बार। भैया क्या कर रहे तुम?
ये देखो गाइस, ये है रानी तालाब। बोट भी चल रही है अब इसमें, वो उधर खड़ी है। इधर अंदर बीच में मंदिर है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। ये देखो, ठीक है दोस्तों, अपने को चलना बहुत लंबा है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया एक छोटा सा। मोड कर लेते हैं इको लेके, प्रभु का नाम चलते हैं। जय साईनाथ। चलो रोहतक 60, भिवाना 44, भिवानी 65। अभी मैं यहाँ पर रुकूँगा सिस्टर के यहाँ पे, स्कूटर को चार्ज करेंगे, अपन रेस्ट करेंगे, सिस्टर से मिलेंगे और फिर वहाँ से निकल के रुकेंगे नवीन के घर, फिर वहाँ से आगे जाएंगे।